हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हारून सिनेक सेवर में स्वागत है। और आज हम आ पहुंचे हैं फतेहपुर, यानी ये जो है निरसा क्षेत्र अवस्थित पड़ता है। और यहाँ पर अभी कुछ सांप को देखा गया और हमें फौरन कॉल किया कि यहाँ सांप है। और सांप ऐसा जगह में है जैसे कि यह पतीला, हम लोग यहाँ के भाषा में बोलते हैं, उसका अंदर घुसा हुआ है। तो अभी जैसे हमको फ़ोन किया कि हम पूरा मतलब फॉलो करके बैठे हुए हैं, आप आइए और कौन सा सांप है देखिए। तो अभी तक तो हम सांप देखे नहीं, तो अभी हम सांप को रेस्क्यू करते हैं। तब तक आप हमारे वीडियो के ऊपर बने रहें। देखिए सांप तो शायद ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर सांप का केचुल जो है कि छोड़ा हुआ है, और ये जो पतीला है इसका अंदर बोल रहा है कि सांप घुसा आता है। अभी तक हम देखे नहीं। बदल में ठीक है। यहाँ तो सांप अभी तक नहीं देखा है, मगर ये जो केचुल छोड़ा हुआ है सांप देखे है ना, ये केचुल देखे हम लोग। सांप तो है, सांप है इसमें, सांप है, हम देखे, हम भी देखे सांप तो है। ये इंडियन रेड स्नेक है, यानी हम लोग के यहाँ के भाषा में इसको ढामिन के नाम से जानते हैं। और जैसे अभी काफ़ी मात्रा में गर्मी आ चुका है, और सांप धीरे धीरे जैसे हैबिटेशन से बाहर निकल चुका है और ये घर की तरफ आ रहे हैं अपने भोजन की तलाश में। और इस जगह थोड़ा ठंडा है क्योंकि पानी है, और ये जो सांप इसमें आके घुसा हुआ था और हमें फौरन कॉल किया, हम आए, अब इसको रेस्क्यू कर लिया, फिर इसको हम फॉरेस्ट में ले जाके रिलीज करेंगे। ये बहुत ही सुंदर सांप, यानी हम लोग के यहाँ के भाषा में इसको ढामिन बोलते हैं, इंडियन रेड स्नेक, और घोड़ा पछाड़ के नाम से भी ये जाना जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमारे ग्रामीण फतेहपुर क्षेत्र का यहाँ जो आदमी है, देखिए बहुत ही अच्छे, क्योंकि मारता ही नहीं किसी तरह कोई भी जीव जंतु,
से दिक्कत होने से हमें तुरंत कॉल करता है, हम आते हैं रेस्क्यू करके फिर उसको फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। तो इसी तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका रेस्क्यूअर मिल जाएगा, अगर जीव जंतु से दिक्कत है तो उन्हें आप कॉल करके आप जीव जंतु को बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।